नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट हिंदी की अगर बात करें तो आपके विषय हिंदी का पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस में क्या क्या है, नया सिलेबस कौन सा होगा, उसके बारे में मैंने वीडियो दिया था। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म यूजीसी नेट का आपका प्रारंभ हो चुका है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 सितंबर से आपका प्रारंभ हुआ है और यह 9 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म यूजीसी नेट का भर सकते हैं। आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी 2 दिसंबर से। 11 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी एक वीडियो में। आइए अब पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में हिंदी आपका जो विषय है उसमें क्या होगा, नए पाठ्यक्रम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल इकाइयों की संख्या अगर देखें तो आपके पाठ्यक्रम में 10 इकाई दी गई हैं, कुल 10 इकाई हैं। और आपके पास समय जो बचा है अब वो आप मान कर चलिए कि आपके पास 80 से 85 दिन का समय आपके पास बच रहा है परीक्षा तक। और इसी के साथ ही आपका प्रथम प्रश्न पत्र भी होगा और उसमें भी 10 इकाई हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो टोटल आपके पास 20 इकाई हो गई। और अगर एक एवरेज लिया जाए, 80 दिन का समय लिया जाए, तो एक इकाई के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का समय है। तो आप कोशिश करिए कि एक दिन में एक इकाई आपको समाप्त करना है, यानी एक दिन प्रथम प्रश्न पत्र आप उठाइए और एक इकाई जब हो जाए फिर दूसरी इकाई के लिए आप अपने विषय पर आ जाइए। तो इस तरीके से एक एक इकाई आप बढ़ाते चलें। तो आइए देखते हैं। पहला, हिंदी भाषा और उसका विकास। इकाई एक हिंदी भाषा और उसका विकास है, जिसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी प्राचीन आर्य भाषाएँ कौन सी है, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ कौन सी है, और उसी के तहत पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, इन सब की बात की जाएगी। साथ ही इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है और इसकी बोलियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन सब की बात होगी। ये सब बोलियाँ हैं। इसी के साथ आप देखेंगे इसी में लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपकी इकाई एक से पूछे जाएंगे। इसी इकाई एक में बोली क्या है, मानक भाषा क्या है, राजभाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा क्या होगी, संपर्क भाषा क्या होगी, और राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा में क्या संबंध होगा, या इन सब में क्या अंतर होगा। राजभाषा किसे कहेंगे, राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे और संपर्क भाषा किसे कहेंगे। तो ये आपके इकाई एक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई दो की अगर बात करें तो इकाई दो से संबंधित मैंने प्रश्न लोगों को दिया है। इकाई दो मैंने पूरा करा दिया है। इसका पीडीएफ भी व्हाट्सएप पर लोगों को मिल चुका है, यानी हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होंगी, काल विभाजन का भी हो गया, नामकरण में आदिकाल की विशेषताएँ, सारी चीज़, रासो साहित्य की बात हो गई, भक्ति काल का हो गया। तो ये पीडीएफ मैंने इकाई दो कम्प्लीट कर दिया है और लोगों तक इकाई दो का पीडीएफ पहुँच चुका है, उसकी टेस्ट सीरीज पहुंच चुकी है व्हाट्सएप पर। इसमें आप देखेंगे द्विवेदी युग की बात करें, छाया युग की बात करें, ये सारा मैंने पीडीएफ करा दिया है। उसी के साथ हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, ये भी मैंने पीडीएफ के माध्यम से लोगों को दिया है और व्हाट्सएप पर लोगों को मिल गया। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा कौन सी है, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, यह आपके पाठ्यक्रम में है। फिर हिंदी कहानी, कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इकाई दो के तहत। साथ ही इकाई तीन में अगर हम लोग देखते हैं तो इकाई तीन में आपका होगा साहित्य शास्त्र, जो कि अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी मैंने प्रारंभ ही नहीं किया है इकाई तीन से। साहित्य शास्त्र अभी पूरा का पूरा बाकी है। इसमें प्रश्न आपके काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, छंद, समास, ये सारी चीज़ पूछी जाएगी। इसके साथ
बहुत सारे विद्वानों के सिद्धांत भी पूछे जाएंगे, जैसे प्लेटो के काव्य सिद्धांत हैं, अरस्तु के सिद्धांत हैं, वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत हैं, कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी है, टीएस इलियट का है, आई ए रिसर्च का है, तो इन लोगों का पूछा जाएगा। इकाई चार की अगर बात करें तो इकाई चार, अभी इकाई चार भी मैंने प्रारंभ नहीं किया है। इकाई चार में वैचारिक पृष्ठभूमि है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, खड़ी बोली आंदोलन, हिंदी नवजागरण, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, तो ये सब वैचारिक पृष्ठभूमि है। अभी यहाँ पर यहाँ से हमने प्रश्न नहीं बनाया है, लोगों को पीडीएफ अभी नहीं दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके कुछ मिनिमम चार्ज मैंने रखा है, जो लोग पे किए हैं उनको बराबर पीडीएफ जा रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर होगा 97 21 46 27 40। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो के फ्रंट में ही आपको ये नंबर मिल जाएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए अपने नाम और सब्जेक्ट के साथ। जो मिनिमम चार्ज है वो भी आपको बता दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र और विषय दोनों से संबंधित आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। दोनों से मिलाकर कुल टेस्ट सीरीज की संख्या आपकी होगी 80। 80 टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, उसका डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आइए यूनिट 5 की बात करें तो हमारे पास इकाई 5 है, हिंदी कविता। हिंदी कविता में पृथ्वीराज रासो से रेवा तट पूछा जाएगा, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पूछी जाएंगी, साथ ही विद्यापति की पदावली में पद संख्या 1 से लेकर 25 तक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कबीरदास के 160 से लेकर 209 तक पूछे जाएंगे पद। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो इनकी पूरी पद्मावत नहीं पढ़नी है, सिर्फ उसमें से नागमती वियोग खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, उतना ही आपको पढ़ना है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। सूरदास के भ्रमर गीत से सारे पद नहीं पढ़ने हैं, पद संख्या 21 से लेकर 70 तक आपको पढ़ने हैं। वहीं तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें आपको सभी कांड न पढ़कर सिर्फ उत्तर कांड आपको पढ़ना है। बिहारी सतसई से आपको दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ने हैं। घनानंद कवित की बात करें तो इनकी कवित संख्या 1 से लेकर 30 तक पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में है। वहीं मीराबाई के पद प्रारंभ से 20 पद आपको पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का प्रिय प्रवास आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ भारत भारती का नवम सर्ग पढ़ना है। तो इस तरीके से कविता में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी पढ़ना है, निराला का जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ननाओ इष्ठाओ बंधु, ये कविताएं आपको निराला की पढ़नी है। सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन और प्रथम रश्मि पढ़ना है। महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, तो ये महादेवी वर्मा की कविता है, इसे पढ़नी है आपको। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की उर्वर्सी और रश्मिरथी पढ़नी है। उर्वर्सी में आपको सभी अंक नहीं पढ़ना है, सिर्फ तृतीय अंक पढ़ना है। वहीं नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शमशान की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये कविताएँ नागार्जुन की हैं जो आपको पढ़ना है। वहीं अज्ञे जी की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपको पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में, ये मुक्तिबोध का है आपको पढ़ना है। वहीं धूमिल का नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद पढ़ना है। हिंदी उपन्यास इकाई 6 की अगर बात करें तो इसमें आपको पंडित गौरीदत्त का देवरानी जठानी की कहानी नामक उपन्यास पढ़ना है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान,
अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर रेणु का महिला आंचल, एसपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद का धरती धरना अपना, ये उपन्यास आपको पढ़ने हैं। कई बार आपके पाठ्यक्रम से यानी सिलेबस से ही कई बार प्रश्न बनते हैं। अगर सिलेबस पर आपकी पकड़ नहीं है, आपको सिलेबस याद नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि परीक्षा में आपके 3 से 4 प्रश्न गलत होने ही होने, क्योंकि 3-4 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से सीधे रूप से पूछे जाते हैं। जैसे जो मिलाने वाले होते हैं, पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और इसी में से आपको दे देंगे। तो इसलिए पाठ्यक्रम पर जरूर ध्यान रखें, पाठ्यक्रम पर अपनी पकड़ बनाए रखें, उनसे आपको अगर पाठ्यक्रम याद है तो 3-4 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। हिंदी कहानी मैंने समाप्त कर दिया है, PDF लोगों को दे दिया है, उसकी टेस्ट सीरीज भी मैंने उपलब्ध करा दी है। कहानी में राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की बात करें तो चंदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, इसके बारे में मैंने दे दिया है। माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य, फणीश्वर रेणु का तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञेय का गैंग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा शोभती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा का परिंदे। तो इतने आपके पास हैं ये कहानी जो आपको पढ़नी है, आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है हिंदी नाटक। अब अगला जो PDF मिलेगा लोगों को जो WhatsApp पर जुड़े हैं, उनको हिंदी नाटक से संबंधित PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, कम से कम 200 प्रश्न हिंदी नाटक से दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी नाटक से जो प्रश्न पूछा जाता है वो कालक्रमानुसार भी पूछा जाता है और उनके पात्र भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पाठ्यक्रम में इतने नाटक दिए गए हैं, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये दोनों नाटक दिए गए हैं जो भारतेंदु जी का है, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का, आधे अधूरे अषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस का और महाभोज मन्नु भंडारी का। तो इतने आपको हिंदी नाटक ये पढ़ने हैं। इसके बाद इकाई 9 की बात करते हैं, हिंदी निबंध। इसका भी PDF मैंने लोगों को दे दिया है, टेस्ट सीरीज भी मैंने करा दिया है लोगों को, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और उसके लिए जो चार्ज है वो बता दिए जाएंगे, और आपको भी इनसे संबंधित सारे PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। निबंध में दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिवमूर्ति, शिवशंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद अंतिम इकाई होगी, अंतिम इकाई आपकी है 10, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इसमें संस्मरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, रेखाचित्र से प्रश्न पूछे जाएंगे, यात्रा वृत्तांत से प्रश्न पूछे जाएंगे, रिपोर्टात से प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी आत्मकथा जीवनी तो इसमें लिखा ही है। कौन कौन से पूछे जाने हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें से प्रश्न आएगा, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दैया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का अपहुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी,
राहुल सांकृत्यान का मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद, तो यह आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। आप अपनी पाठ्यक्रम पर एक बार पकड़ जरूर बनाएं और पाठ्यक्रम को आप डाउनलोड कर लें, बार बार पाठ्यक्रम को देखें, क्योंकि पाठ्यक्रम से सीधे रूप से आपको 3 प्रश्न बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। तो अगला जो आपको वीडियो मिलेगा वो मैंने आपको बताया ही है कि नाटक से होगा। अब नाटक से संबंधित 200 प्रश्न आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पर, और उसके अलावा उसका विवरण के रूप में भी हम आपको एक PDF देते हैं और फिर प्रश्न के माध्यम से देते हैं। तो यह है नाटक, इस पर आपको PDF मिलेगा। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, या अगर पाठ्यक्रम का PDF आपको चाहिए तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने लिख दिया है, आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो के कवर पेज से आपको यह नंबर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर नाटक के साथ मिलेंगे, नाटक होगा अगला वीडियो। नमस्कार।